Lysong candidates agree for peaceful election. As the election to the 13th and Seahills Autonomous Council speculated to be nearing, most of probable candidates of Lysong constituency agreed for peaceful election. Pawradin Jamme, a retired officer and existing MSC, held a discussion on election on Sunday at Letters' official residence, wherein both the leaders decided to ask BJP ticket. Jamie, retired officer who had earlier helped existing MSC in elections, said that existing MSC also, the executive member, is his brother and has the right to claim party ticket and contest the election, but the people who have been supported earlier have decided to support him this time. <laughs> चटू भाई को तो वही सबसे मेरा रिटायरमेंट के बाद में जो चट्टू भाई ने मुझको भी मदद करेगा ऐसे थोड़ा कुछ बात हुआ था लेकिन अभी ये चट्टू भाई पोदामिंग भी अभी प्रेजेंट ईएम है एग्जिस्टिंग ईएम है काउंसिल का और मैं अभी गवर्नमेंट ऑफिसर के रिटायर्ड हुआ तो मुझको भी कुछ लोग लाइसोंग एरिया का कुछ वर्कर लोग प्रपोज किया है तो आप भी रिटायर हो गया तो आप भी कैंडिडेट में हो जाएगा इस बार तो मैंने दो तीन बार माना किया था फिर भी वर्कर कितना लोग मुझको प्रपोज किया है उसके लिए हमने भी एग्री कर दिया तो वही एग्रीमेंट का हिसाब से अपना अपना रास्ता अलग से निकलने से भी सुंदर नहीं है तो बाय बाय है जैसे अभी भाई एम ने बोला है तो अभी दोनों ज्वाइन मीटिंग क्या है ज्वाइन मीटिंग में तो अभी प्रेजेंट ई एम है कैसे वो भी सरेंडर करने को भी अभी प्रेजेंट ई एम है इलेक्शन का डिक्लेयर भी नहीं हुआ है तो ये जो ओडमिंग ई एम से बोला है गौरव भाई अभी ई एम है तो हमने भी बोला प्रेजेंट ई एम में हम कैसे उसको ज़बरदस्ती आप रुको ये तो बोल नहीं सकता है इसके लिए दोनों बातचीत हुआ है जे हमने भी कितना तो वर्कर लोगों को हाँ करके कह दिया है इसके लिए दोनों बातचीत हुआ है तो दोनों तरफ से बातचीत जैसे हुआ है पीसफुली दोनों निकलने होगा तो अभी प्रेजेंट ईम है वो भी अभी किसी सरेंडर करेगा ये तो बात हो गया पार्टी से या से हो अब क्या सोच हो हाँ मैं भी बीजेपी में जैसे ज्वाइन किया है तो मैं भी बीजेपी का हिसाब से बीजेपी का कार्यकर्ता का हिसाब से मैं भी बीजेपी टिकट तो मैं भी मांगेगा और अभी प्रेजेंट ये है छोटू भाई वो भी मांगेगा लेकिन टिकट का ऊपर में तो अथॉरिटी का बात है ये चटो भाई भी आशरा रखेगा मैं भी आसरा रखूँगा तो कैसे करके टिकट तो दिलाना है ऊपर वाला लोग का जो अथॉरिटी है और यहाँ काउंसिल का जो अथॉरिटी है यहाँ दिमाशा का कमिटी है उन लोग विचार के टिकट तो दिलाएगा तो अभी चोटो भाई भी आसरा में है मैं भी आशरा में हूँ तो देने का बाद में होगा जिसको देगा एक जन को ही मिलेगा दो को नहीं मिलेगा खाली दो का बात नहीं है और भी एक कैंडिडेट है जो बीजेपी वर्कर अभी हिरंग डेग बोल के है वो भी टिकट तो मंगेगा वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है तो और भी है तो अभी चार कैंडिडेट है तो चार कैंडिडेट में सब बीजेपी का कार्यकर्ता है तो सब भी टिकट तो मांगेगा लेकिन आदमी का जो पब्लिक का वेट देख के ऑथोरिटी दिलाएगा बोल के ये मैं आसरा रखता हूँ और मैं भी जो विचार किया है तो बीजेपी का हिसाब से हम लोग निकलेगा और जिसको जिसको देगा तो एक नहीं मिलेगा लेकिन एक जन मिलने से भी हम लोग जितना कैंडिडेट है अभी जैसे छोटू भाई का साथ में डिस्कस किया है हम लोग किसी को ब्लेम करने को भी नहीं है हम लोग पीसफुली हम लोग शांति से हम लोग निकालना है कैंडिडेट होना है और पब्लिक को भी हम लोग समझाना है उसमें एक दूसरा को मैंने खराब बात से नहीं बोलना है हम लोग एक दूसरा को विचार करके एक दूसरे के ऊपर में भरोसा करके हम लोग निकलना है और भरोसा एक दूसरा को भरोसा मैंने पीसफुली करके हम लोग करना है वही आसरा में है और मेरा भी अपना रास्ता तो अपना ले तो कुछ तो अच्छा बात तो बोलने होगा मेरा साथ इतना पब्लिक है तो बोलने होगा तो अभी हम लोग विचार क्या है फाइनल डिसीजन क्या है जे जितना हम लोग कैंडिडेट है हम लोग पीसफुली करके हम लोग इलेक्शन लड़ना है जो जीतेगा वो तो नसीब का ऊपर में भी है पब्लिक का ऊपर में भी है लेकिन मैं आसरा रखता हूँ अभी चौथों तो भाई ई एम भी तो प्रेजेंट ई एम है वो भी तो पीसफुली वो भी करेगा बोल के अभी बात हुआ है और मेरा भी मंजूर है पीसफुली अपना अपना रास्ता तो निकलना है कोई इसमें लड़ाई नहीं है यही बात है थैंक यू

तो पीसफुली हम लोग खेलेगा ये ठीक बात है